Please do subscribe Madhav Ki Pathshala YouTube channel and press bell icon. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माधव की पाठशाला में। मैं संदीप कुमार, पर्यावरण का मैं आज चौथा पाठ लेकर आया हूँ। पर्यावरण के बारे में आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे कि जैव आवर्धन क्या होता है। जैव आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बात करें हम जैव आवर्धन की, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। वैसे पदार्थ होते हैं जो अब सही तरीके से उनका अपचयक नहीं हो पाता, या हम कह सकते हैं उनका सही तरीके से अवघटन नहीं हो पाता है, वो जो होते हैं अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थों की मात्रा पहले जो होती है ये पोषी स्तर से, यानी हम बात करें उत्पादक से, दूसरे पोषी यानी प्राथमिक उपभोक्ता से। इसी प्रकार से क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं जैव आवर्धन के बारे में कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा, जो कि पहले पोषी स्तर से, जो हमने पिरामिड बनाया था, पहली पोषी स्तर में हमने उत्पादक को बताया था, दूसरी पोषी स्तर से प्राथमिक उपभोक्ता से, इसी बढ़ने की क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं ये कीटनाशक या उर्वरक है, मान लो है, और यहाँ पे फसल है, इस तरीके से उत्पाद है, यहाँ पर उपभोक्ता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि जो कीटनाशक होता है वो फसलों में डाया जाता है, या उर्वरक फसलों को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए या ज़्यादा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कीटनाशक पदार्थ को फसलों को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है खेतों में, इस तरीके से। तो अब फसलों को रोगों से बचाने के लिए काम किया जाता है, या तो फिर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, दो कंडीशन पर ये कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। अब फसल को उत्पाद खाता है, यानी हम बात करें उत्पाद की या प्रथम पोषक स्तर की बात करें तो उत्पाद खाता है। अब बीमारियों को जो प्रभाव होता है, इस प्रकार से प्रभाव होता है, और उत्पाद को कौन खाता है, उपभोक्ता खाता है। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर होता है जैव आवर्धन का। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं मानव एवं पर्यावरण। मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों का सीधा जो प्रभाव है, मनुष्य की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण पर पड़ता है। प्रतिदिन अपनी विभिन्न क्रियाओं से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम जहाँ या हम वहाँ जहाँ वहाँ फेंक देते हैं, और सही मतलब इस तरीके से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको इस तरीके से फेंक देते हैं, और इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को अपशिष्ट कहते हैं। समझ लेते हैं कि मानव की विभिन्न गतिविधियों का जो एक सीधा सा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। प्रतिदिन हम अपने कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं, या कुछ ऐसे ना ऐसे ऐसे उत्पन्न जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो हम उधर उधर मतलब ऐसी जगह फेंक देते हैं, बिल्कुल कहीं जहाँ उसे फेंकना चाहिए वहाँ नहीं फेंकते हैं, तो इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को हम अपशिष्ट कहते हैं। अब अपशिष्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैव निम्नकरणीय होता है, एक होता है जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट। अब जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट की बात करें तो वैसा अवांछित पदार्थ, अवांछित का मतलब होता है अनावश्यक पदार्थ, जिन्हें जैविक अवघटन के द्वारा पुनः उपयोग के आने वाले पदार्थों में बदला जा सकता है, उसे तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बात करें सब्जी के छिलके की, मूल मलमूत्र की, गोबर के आदि, ये जो होते हैं जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट की, तो वैसा अवांछित या अनावश्यक पदार्थ जिन्हें जैविक अवघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है, वो जो हैं जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे बात करें कीटनाशक की, डीडीटी की, सीसा की, प्लास्टिक की आदि, जो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं वो जो होते हैं जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि ये पदार्थ कभी सड़ते नहीं हैं, या कभी इनका कभी ना इनका वो तरीके से क्या बोलते हैं अपघटन नहीं हो पाता है। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ जो होते हैं इनका अपघटन नहीं हो पाता है, इस प्रकार से ये जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ओजोन परत एवं ओजोन अवक्ष की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन O3 का एक स्तर वायुमंडल में
15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक ऊंचाई क्षेत्र के पाया जाता है, ओजोन परत की बात करें। और ये सूर्य की प्रकाश में उपस्थित जो कि हानिकारक जैसे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जो मानव में त्वचा कैंसर या मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन का जन्म देती है। कुछ रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत से अभिक्रिया कर आणविक तथा प्रमाणविक से विखंडित कर ओजोन स्तर का अवक्षय कर देते हैं। और कुछ सेंट जैसे हम बात करें सेंट या झागदार सेविंग जो क्रीम होती है, कीटनाशी जो गंध हडक होते हैं आदि डिब्बों में आते हैं और ये फुहारा या झाग के रूप में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो है चौथा पार्ट एक सही तरीके कंप्लीट हो चुका है पर्यावरण का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माधव की पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन।